हर रोज हर पल समय के सांचे में ढलती है कोई खबर, हर खबर आप तक पहुंचाएगा जन जागरूकता मीडिया, सरोकार अभिव्यक्ति की आजादी का, पैरोकार निर्भीकता और सच्चाई का। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर थाने में एक युवक की कथित मौत के बाद गुरुवार को लोगों ने जमकर हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने थाने में पथराव भी किया। इस बीच पुलिस को आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। दरअसल कोतवाली थाने की हिरासत में रखे गए युवक का शव फंदे से लटका मिला है। जिस शख्स की लाश कोतवाली थाने से मिली है उसका नाम गुरुचरण मंडल है। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था। युवक का शव शौचालय के बाथरूम में गमछे से लटका था। मृतक युवक बलरामपुर जिला अस्पताल में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी था। कोतवाली थाने में गुरुचरण मंडल की लाश मिलने की खबर फैलते ही कोतवाली थाने के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत संतोषी नगर के स्थानीय निवासी गुरुचरण मंडल, जो कि बलरामपुर स्वास्थ्य विभाग NHM में पीयून के तौर पर पदस्थ था, सूत्रों के अनुसार मृतक युवक की पत्नी एक महीने से गायब। इसी मामले पर पूछताछ के लिए मृतक और उसके पिता को कोतवाली पुलिस ने गुरुवार को बुलाया था। इसी दौरान मृतक युवक थाने के वॉशरूम में गया और गमछा से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस बात की सूचना जैसे ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को लगी, तत्काल थाना कोतवाली पहुंचे और जमकर हंगामा किया। कुछ देर बाद बड़ी संख्या में मृतक के परिजन और ग्रामीण भी वहां पहुंचे और पुलिस कस्टडी में आत्महत्या को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क को जाम कर दिया। नाराज लोगों ने नारेबाजी करते हुए कोतवाली थाने पर पथराव कर दिया। उग्र भीड़ के थाने के गेट पर लगी रेलिंग को उखाड़ दिया और थाने की खिड़कियों के शीशे चूर चूर कर दिए। भीड़ इतने गुस्से में थी कि उसने पुलिस के वाहन को भी निशाना बनाया। नाराज लोगों ने न्याय की मांग करते हुए नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। जाम लगते ही हाईवे के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। भीड़ को मौके से हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इसके बाद बलरामपुर में तनाव की स्थिति है। एडिशनल SP ने कहा कि घटना की जानकारी SP और IG को दे दी गई है। जो भी पुलिस वाले इस घटना में दोषी होंगे उन पर न्यायसंगत कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं कोतवाली थाने में मौत और हंगामे के बाद SP वैभव बैंकर रमनलाल ने TI प्रमोद उर्सिया और आरक्षक अजय यादव सस्पेंड कर दिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस